13 दिसंबर 2023 को संसद पर स्मॉग अटैक किया गया था। स्मॉग अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, किस लिए करवाया, अलग अलग राज्यों के रहने वाले सभी 6 आरोपियों की पहचान एक दूसरे से किसने करवाई, किसने उनके अंदर राष्ट्र विरोध का RDX भरा, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, आरोपियों ने पहली बार में ही सफल वारदात को अंजाम कैसे दिया, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने संसद पर हमले की बरसी वाले दिन किसी को भी पास क्यों जारी किया, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार आज पूरे देश की जनता कर रही है। पक्ष से लेकर विपक्ष तमाम पार्टी के नेता भी इन सवालों के जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच एजेंसियों ने अभी तक बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से कोई सवाल जवाब क्यों नहीं किए। क्या प्रताप सिम्हा को अभी तक तलब इसलिए नहीं किया गया कि वो सत्तारूढ़ यानी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद है। आरोपियों का रिमोट कंट्रोल किसके पास है, सरगना का मकसद क्या है, साजिशकर्ता बेनकाब होना चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। विपक्ष दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में चीख चीख कर यही कह रहा है। वारदात पर वाद विवाद इस हद तक बढ़ गया कि अभी तक दोनों सदनों से विपक्ष के 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष इस हद तक अपने आपे से बाहर हो गया है। क्या विपक्षी सांसद वाकई में सदन में खुद को असुरक्षित मान रहे हैं? क्या उनको वाकई में ऐसा लग रहा है कि सदन में उनकी जान को खतरा है, या विपक्ष मुद्दे पर गंदी राजनीति की सारी हदें पार कर देना चाहता है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने दोनों लोग इस बात को कह चुके हैं कि घटना की अधिक गंभीरता से जांच की जा रही है, तब फिर ये वाजिब हो जाता है कि विपक्ष को जांच होने तक संयम बरतना चाहिए। पर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को अपना निलंबन तो स्वीकारनीय है, पर संयम बरतना नहीं। सुनिए। लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में, और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं, कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे MPs को सस्पेंड किया, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। वी जस्ट वॉन्टेड कि होम मिनिस्टर साहब आए और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वॉज दी ओनली इशू। एंड वी आर ऑल्सो वॉन्टिंग कि जो 13 हमारे MP सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वॉज ऑल द इशू। देखिए, बड़ी विडंबना है कि एक भाजपा सांसद जिसके बतौर मेहमान, जिसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनाकर दो आरोपी सदन के भीतर आते हैं और सदन पे हमला करते हैं, वो भाजपा सांसद आज भी बतौर सांसद सदन में बैठ रहे हैं, उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आई। लेकिन सरकार से इस सुरक्षा चूक पर सवाल करने वाले और उस भाजपा सांसद की भूमिका को लेकर खास तौर पे सवाल करने वाले विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वो बीजेपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए जिनके बतौर मेहमान दो आरोपी आए, लेकिन 92 सांसद जो उस भाजपा सांसद से और भाजपा सरकार से जवाब मांग रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, गुरेज नहीं है कि ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई है। आप न्यूज चैनल से बात कर लेते हैं, आप न्यूज़पेपर में आपका इंटरव्यू दे देते हैं, साक्षात्कार दे देते हैं। हम कह रहे हैं जो भी आप न्यूज़पेपर में बोल रहे हैं, जो भी आप न्यूज चैनल्स पर बोल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है और सेशन के समय पर इस तरीके की बड़ी घटना हुई है, तो आप आकर पार्लियामेंट में बोलिए।
कौन आपको रोक रहा है, कौन आपको टोक रहा है? आप अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं, यही विपक्ष की मांग है। और मैं मानती हूँ विपक्ष की क्या सत्ता पक्षी होनी चाहिए, देश की मांग होनी चाहिए कि ये क्या नए मापदंड अपनाए जा रहे हैं कि जहां जहां इनकी जवाबदेही तय होगी ये जवाबदेही से भाग जाएंगे और हम उनको भागने देंगे। पूर्व नियोजित अगर रणनीति किसी की रही है तो केंद्र सरकार की रही है, ट्रेजरी बेंचेस की रही है, उनकी तानाशाही की वजह से रही है। विपक्ष सवाल कर रहा है, करना भी चाहिए, विपक्ष का काम ही सवाल करने का होता है, पर सभापति की मजम्मत बनाने का हरगिज नहीं होता। सदन से निष्कासित होने के बाद कई विपक्षी सांसद संसद की सीढ़ियों पर बैठे थे, जिस दौरान टीएमसी से लोकसभा सांसद कल्याण बैनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी कि वो किस तरह सदन में माननीय सांसदों को डांटते हैं, उनके हाव भाव कैसे होते हैं खुद ही देखिए। विपक्ष की इस तरह की हरकतें उसके मंसूबों को जगजाहिर कर रही है कि वो देश के मूलभूत मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, बस अपनी गंदी राजनीति चमकाना चाहता है। सोचिए कल्याण बैनर्जी का ये वीडियो कांग्रेस के सर्वेसर्वा माननीय राहुल गांधी ने शूट किया है, ऐसा बताया जा रहा है। खैर, इस वीडियो पर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा वो आप सुनिए। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी। दिग्विजय सिंह जी एक बात सुनना मेरे ध्यान से बैठ जाइए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे, आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूँ सद्बुद्धि आई, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। विपक्ष किसी भी हाल में संसद की सुरक्षा में भारी चूक के मामले पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया सुनने के अलावा किसी और की प्रतिक्रिया को सुनने के लिए हामी ही नहीं भर रहा। मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को संसद सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन के मामले में चिट्ठी लिखकर जांच कराए जाने की मांग है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कब तक इस मसले पर जांच हो पाती है और कब दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाता है।